बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। हमारा जो कॉम्पिटेंसीज और स्किल्स प्रोफेशनल्स के हवाले से जो प्रोग्राम चल रहा था, आज उसका तीसरा और आखिरी पार्ट है, और इसमें हम अगली जो पांच स्किल्स हैं या कॉम्पिटेंसीज हैं उनके बारे में बात करेंगे, जो कि सक्सेसफुल प्रोफेशनल्स के अंदर होनी चाहिए या वो डिपिक्ट करते हैं अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर। जो तीसरा तेरहवा है, इससे पहले हमने 12 जो हैं वो देख लिए हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और बड़ा सेल्फ एक्सप्लेनेटरी भी है। डेवलपिंग पीपल, जो प्रोफेशनल्स होते हैं, सक्सेसफुल प्रोफेशनल्स हैं, वो दूसरे लोगों को भी डेवलप करते हैं और उनको उनके पोटेंशियल को और उनकी कैपेबिलिटीज़ को इन्हांस करने में उनकी मदद करते हैं। इसके भी तीन लेवल्स हैं, बेसिक, इंटरमीडियरी और इंटरमीडिएट और एडवांस्ड। और ये जो अभी हम पाँच लेवल देख रहे हैं, ये सारे एडवांस्ड लेवल के हैं, जो कि हमने पिछले शुरू में 6 देखे, वो बेसिक कॉम्पिटेंसीज थी, फिर इंटरमीडिएट 6 थी, और अब ये जो हैं ये एडवांस्ड लेवल की कॉम्पिटेंसीज हैं, जिसमें डेवलपिंग पीपल पहली है और ओवरऑल 13 है। और इसके अंदर जो बेसिक कैपेबिलिटी है जो सक्सेसफुल प्रोफेशनल के अंदर होनी चाहिए, वो यूज़ डिमॉन्स्ट्रेशन एंड एक्सप्लेनेशन टू टीच फेमिलियर टास्क टू इनएक्सपीरियंस्ड कोवर्कर्स। जो भी इनएक्सपीरियंस कोवर्कर्स हैं उनको, ये बड़ा बेसिक लेवल का है कि जो भी उनको काम नहीं आता, जो आपको आता है वो उनको सिखा सके। इसमें जो सेकेंड लेवल है, उसमें प्रोवाइड कोचिंग टू अदर्स टू डिवेलप देयर स्किल्स एंड नॉलेज ऑन देयर जॉब्स टू इन्हांस परफॉर्मेंस। जो उनकी कोचिंग प्रोवाइड करनी है उन्होंने, और जो एडवांस लेवल है उसमें मेंटोरशिप प्रोवाइड करनी है। मेंटोरशिप पर बहुत बात होती है, हमने बहुत सारे प्रोग्राम्स के ऊपर किए हैं, रिवर्स मेंटोरिंग पर भी किए हैं। मेंटोरशिप बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और उन्होंने उनको एक मेंटोरशिप प्रोवाइड करनी है। मेंटोर का मतलब ये होता है बेसिकली कि समवन हु हैज़ हायर पर्सपेक्टिव ऑफ द थिंग्स। एक टीचर है और एक मेंटोर है, बहुत कम फ़र्क है उसके अंदर, लेकिन बेसिकली टीचर का मतलब है उसकी हायर नॉलेज होती है या हायर लेवल ऑफ नॉलेज होता है टीचर का। मेंटोर जो है, ही हैज़ अ डिफरेंट और अ हायर पर्सपेक्टिव टू लुक एट द थिंग्स। तो इससे जब पर्सपेक्टिव ऐड हो जाता है वर्ड बीच में, तो मेंटोर का जो दर्जा है वो भी ऊँचा हो जाता है। और पर्सपेक्टिव एक बड़ा कैची और फैंसी वर्ड है, असल में इसका बेसिक मतलब ये होता है कि वो उसकी जो आउटलुक है, उसको देखने का अंदाज़ है चीज़ों का, वो मुख्तलिफ होता है या बेहतर होता है बाकी लोगों से। तो जो प्रोफेशनल है, ही बिकम्स अ मेंटोर टू द पीपल हु आर वर्किंग विद हिम, उनकी प्रोफेशनल पर्सनल डेवलपमेंट में उनकी हेल्प कर सकता हो। जो अगला लेवल है 14वां, वो है ग्लोबल माइंडसेट। जो सक्सेसफुल प्रोफेशनल्स होते हैं, वो सिर्फ अपने ही रीजन को, अपने लोकल एरिया को, या अपने काम से काम जो कर रख रहे होते हैं, वो भी एक अच्छी बात है ऑफ कोर्स, लेकिन उनका जो माइंडसेट है दैट इज़ ग्लोबल। दे आर अवेयर ऑफ वट इज़ हैपनिंग अराउंड द ग्लोब, इन टू द प्रोफेशनल मार्केट, इन टू देयर मार्केट, इन टू द टेक्नोलॉजी मार्केट, एंड हाउ द वर्ल्ड, वेयर द वर्ल्ड इज गोइंग। सो दे हैव दैट ग्लोबल माइंड अवेयरनेस ऑफ डाइवर्सिटी अक्रॉस ग्लोबल कल्चर्स एंड मार्केट्स, सीक अपॉर्चुनिटीज टू अडॉप्ट सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस एंड आइडियाज़। ठीक है, और इसके अंदर जो तीन लेवल हैं, उसमें बेसिक क्या है कि डिमॉन्स्ट्रेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ ग्लोबल चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज एंड हाउ टू ट्रांसफर बेस्ट प्रैक्टिसेस अक्रॉस कल्चर, रिस्पेक्ट कल्चरल डिफरेंसेस, ये वो करते हैं बेसिक लेवल है, बड़ी बेसिक चीज़ें। जब बेसिक की बात करते हैं तो इसमें जो पहले भी मैं लेक्चर्स में बताता रहा हूँ, बेसिस का मतलब ये होता है कि ये होनी ही होनी है, ये ज़रूरी है, रिस्पेक्ट कल्चरल डिफरेंस, ये ज़रूरी, अगर ये नहीं करेंगे तो प्रोफेशनल नहीं है, तो प्रोफेशनल के जो खाते हैं उसके अंदर ही नहीं आएंगे। इंटरमीडिएट लेवल पे क्या होता है, डेवलप ग्लोबल नेटवर्क्स एंड मैनेज वर्चुअल रिलेशनशिप्स व्हाइल बैलेंसिंग बोथ लोकल एंड ग्लोबल पर्सपेक्टिव्स, अडॉप्ट अ लोकल एंड ग्लोबल पर्सपेक्टिव व्हेन मेकिंग डिसीजन। तो जो डिसीजन मेकिंग है उनकी, वो उसमें वो तमाम चीज़ें आ जाती हैं। एक तो लोकल कल्चर को भी ख्याल रखना है कि हमारे कल्चर के हिसाब से क्या ये सही है या नहीं है, और उसको फ्यूचर में यानी ग्लोबली अगर हम चले जाएं तो उसमें क्या फ़ायदा पहुंचेगा अगर हम इस किस्म का डिसीजन लेते हैं या ये काम करते हैं। तो ये बड़ी बेसिक चीज़ें हैं जो कि प्रोफेशनल्स में होनी चाहिए। बिल्ड द ऑर्गेनाइजेशंस कैपेबिलिटीज़ टू कम्पीट इन अ ग्लोबल एनवायरनमेंट। जो एडवांस लेवल के प्रोफेशनल्स हैं, जो एडवांस लेवल की कॉम्पिटेंसी है इसके अंदर ग्लोबल माइंडसेट के, वो ये क्या करते हैं कि वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन की कैपेबिलिटी डेवलप करना शुरू कर देते हैं। शुरू में तो इंडिविजुअल्स की, फिर उन्होंने कल्चर डिफरेंसेस के हिसाब से लोगों को मेंटोर किया, और फिर अब वो पहुंच गए हैं ग्लोबल, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को ही उस लेवल पे ले चले जाते हैं जहां पे ग्लोबल माइंडसेट के तौर पे ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्म कर रही होती, नॉट एन एज इंडिविजुअल बट द ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल इज़
परफॉर्मिंग एट अ लेवल विच इज़ ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन की थिंकिंग ग्लोबल हो जाती है. देन द 15th लेवल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लीडरशिप. ये तो बड़ी मज़े की चीज़ है, हर कोई पढ़ता है इसके ऊपर, हर कोई बात करता है, और ये प्रोफेशनल्स के अंदर होनी चाहिए. और इसका जो मतलब है, बहुत सारे मतलब हैं इसके, बहुत सारी इसकी किताबें लिखी गई हैं, वो सारी अगर आप पढ़ लें तो तब भी शायद आपको लीडरशिप की जो है वो बेसिक्स ही समझ आएंगी. क्योंकि लीडरशिप एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि चेंज होता रहता है, वक्त के साथ साथ आगे बढ़ता रहता है. पढ़नी ज़रूर चाहिए, बहुत सारी किताबें पढ़नी चाहिए, और प्रैक्टिस जब तक आप सही तरीके से नहीं करेंगे उन चीज़ों को, तो वो किताबें पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं होगा. सो जो लीडरशिप की स्किल है वो ये कहती है कि लीड अदर्स टू अचीव ऑब्जेक्टिव्स इन द मोस्ट इफेक्टिव वे, प्रोवाइड एन इंक्लूसिव वर्क प्लेस. इंक्लूसिव वर्क प्लेस मीन्स दैट एवरी काइंड, यू डोंट हैव एनी बायसेस, यू इंक्लूड एवरी वन रिगार्डलेस ऑफ एनी डिसबिलिटी, जेंडर, रेस, स्किल्स, कॉम्पिटेंसीज. यू इंक्लूड एवरी बॉडी इन टू द प्रोसेस and to the workplace, a workplace that cultivates workplace relationships, teamwork and foster people development. SC leadership jo ke people development ko foster people development ko ease kar sake, people development ko promote kiya ja sake uske andar. Iske andar jo teen levels hain wo basic, usme andar kya hai jo basic level kehlata hai, wo ye hai ke आपको डिमॉन्स्ट्रेट प्रोफेशनलिज्म टू सेट अ गुड एग्जाम्पल फॉर पीयर. सो जो बिल्कुल बेसिक चीज़ है लीडरशिप के अंदर, बेसिक कॉम्पिटेंसी, कि आपने खुद डिमॉन्स्ट्रेट रोल मॉडलिंग कर देनी. और जो सेकंड लेवल है उसमें क्या कहते हैं कि लीड बाय एग्जाम्पल एट टीम लेवल, इनकरेज एंड गाइड अदर्स टू अडॉप्ट अ पॉइंट ऑफ व्यू, मेक चेंजेस और टेक एक्शन. ठीक है, शुरू में क्या था बेसिक लेवल के, आपने खुद डिमॉन्स्ट्रेट करना, रोल मॉडल बनना. दूसरे में क्या है कि टीम लेवल पे आपने टीम को ही एज अ रोल मॉडल क्रिएट करना है, ली एग्जाम्पल बन के दिखाना है पूरी टीम के सामने, ताकि आप वो, तब तो अकेले थे, इसमें टीम को भी शामिल कर लिया आपने कि आप टीम के सामने ऐसा कर रहे हैं. और द थर्ड एंड एडवांस लेवल इज लीड बाय एग्जाम्पल एट ऑर्गेनाइजेशनल लेवल. ठीक है, पूरी ऑर्गेनाइजेशन आपको देख रही है, पूरी ऑर्गेनाइजेशन आपके आप ऑर्गेनाइजेशन की नज़रों में हैं, लोगों की नज़रों में हैं, और सबको इंस्पायर करना है, मोटिवेट करना है, गाइड करना है टू अडॉप्ट अ न्यू पॉइंट ऑफ व्यू. ठीक है, एक नया पॉइंट ऑफ व्यू, एक ही चीज़ को देखने का डिफरेंट पर्सपेक्टिव, पैराडाइम शिफ्ट जिसको कहते हैं ना, वो यहाँ पे आती है. एंड द 16th लेवल, 16th स्किल इज़ मैनेजिंग डाइवर्सिटी. बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत मुख्तलिफ किस्म के लोग होते हैं, मुख्तलिफ स्किल्स के लोग होते हैं, मुख्तलिफ रवैयों के लोग होते हैं. ज़रूरी नहीं कि डाइवर्सिटी में सिर्फ ये हो कि आप क्रॉस कल्चरल चीज़ों को देख रहे हैं. ये बड़ा इंपॉर्टेंट पर्स्पेक्टिव है कि अगर आपके इदारे में सारे ही, फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तानी हैं, सारे पाकिस्तानी होते हैं, सारे मुसलमान हैं, सारे मुसलमान होते हैं, बहुत सारे मुसलमान होते हैं, सारे ही एक ही कॉलेज के हैं, कि स्कूल के हैं, सो डाइवर्सिटी कहाँ से आएगी ना? डाइवर्सिटी कहाँ से आएगी? डाइवर्सिटी लोगों के अंदर ही आ जाती है. लोगों के बिहेवियर्स डाइवर्स उठते हैं, मुख्तलिफ किस्म के बिहेवियर के लोग एक ही अदारे के अंदर, एक घर के अंदर मुख्तलिफ बिहेवियर के लोग होते हैं. तो उनकी जो डाइवर्सिटी है, उस बिहेवियर की डाइवर्सिटी को समझना, दैट और उसको मैनेज करना, दैट इज़ बेसिकली प्रोफेशनल्स की एक टॉप कॉम्पिटेंसी है. क्या कहती है? वर्क वेल विद पीपल फ्रॉम डिफरेंट एथनिक, सोशल, कल्चरल एंड एजुकेशनल बैकग्राउंड, अंडरस्टैंड द कंसर्न इंटरेस्ट. तो डेफिनेशन में तो ये वही बात कर रहा है जो कि, लेकिन हो सकता है कि हमारे कल्चर पाकिस्तान के एनवायरनमेंट में अगर आप बात करें, तो यहाँ पे हो सकता है एक ही जगह पे आप काम कर रहे हो और वहाँ पे इतने डाइवर्स कल्चर ही ना हो, इतने डाइवर्स एथनिसिटी ना हो, तो फिर भी डाइवर्सिटी होती है बिहेवियर्स की, रवैयों की डाइवर्सिटी होती है. इसके अंदर तीन लेवल हैं, वो क्या कहते हैं, वो ये हैं कि डेमोंस्ट्रेट सेंसिटिविटी टू द कल्चर करेक्टरिस्टिक्स, वैल्यूज, बिलीव्स एंड बिहेवियर्स ऑफ अनदर एथनिक और कल्चर ग्रुप. ये उसी किस्म की बात हो रही है. देन उसका सेकेंड लेवल, बिल्ड रिलेशनशिप्स विद डिफरेंट एथनिक और कल्चर ग्रुप्स. रिलेशनशिप्स बिल्ड करना, रिलेशनशिप मतलब शादीशुदी नहीं कर लेनी, लेकिन रिलेशनशिप इस हिसाब से करना है कि आपको ईज़ ऑफ नेटवर्किंग हो सके, ईज़ ऑफ कम्युनिकेशन हो सके, ईज़ ऑफ डिस्कसिंग और इंफॉर्मेशन शेयरिंग एक दूसरे के साथ ईजीनेस के साथ आप वो कर सकें, इंफॉर्मेशन ईजीली शेयर हो सके. देन अगला क्या लेवल है, मैनेज कॉन्फ्लिक्ट्स अराइजिंग फ्रॉम डिफरेंट एथनिक और कल्चरल ग्रुप्स एंड वर्क इफेक्टिवली इन क्रॉस कल्चरल सेटिंग्स. जो कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं उनको प्रॉपर तरीके से मैनेज कर सके. एंड नाउ द लास्ट वन, 17th वन, द टॉप स्किल विच इज़ ट्रांस डिसिप्लिनरी थिंकिंग. वर्ड अजीब सा है लेकिन ट्रांस डिसिप्लिनरी थिंकिंग, विच मीन्स दैट
انڈرسٹینڈنگ آف دا کانسیپٹ اکراس ملٹیپل ڈسپلنس. آپ ایچ آر میں ہیں یا آپ مینوفیکچرنگ میں ہیں یا آپ فائنانس میں ہیں یا سپلائی چین کے ہیں یا آپ ڈاکٹر ہیں یا انجینئر ہیں لائر ہیں, لیکن آپ کو ٹرانس ڈسپلنری تھنکنگ مطلب دوسرے ڈسپلن والے, آپ ڈاکٹر ہیں لیکن آپ کو پتا ہو کہ یار لائر کس طرح سوچتا ہے, اس کو ڈنڈے نہیں مارنے لائر کو, ٹھیک ہے, یا لائر کو آپ نے خراب نہیں کرنا, اور لائر ہیں تو ڈاکٹروں کے بارے میں سمجھ آئے گا کہ جا کے ان کے اوپر حملہ نہیں کر دینا. مطلب یہ جو ایک ڈاکٹروں کی اور لائرس کی ایک جنگ چل رہی تھی پچھلے 5-7 مہینے پہلے, تو ٹرانس ڈسپلنری تھنکنگ, پروفیشنلز انڈرسٹینڈ دا پرنسپلز آف ادر ڈسپلنز آلسو, دے ریسپیکٹ دی ادر پرنسپلز آلسو, ادر ڈسپلنز آلسو دے ریسپیکٹ, دے گیو ویلیو ٹو ادرز کانٹریبیوشن ایز ویل. دا پروفیشنل از ناٹ سم تھنگ جو کہ اپنے آپ کو ہی بڑا سمجھتا رہے, اپنے آپ کو تکبر میں ڈال دے, اپنے آپ کو سمجھے کہ جی میرا ہی پروفیشن سب سے اچھا ہے, ایچ آر ہی سب سے اچھا ہے, یا ڈاکٹر ہی سب سے اچھا ہے, یا پولیس والا ہی سب سے اچھا ہے, یا اگر یہ سمجھے انجینئر ہی سب کچھ ہے. ٹرو پروفیشنل has that transdisciplinary thinking کہ وہ دوسرے لوگوں کو بھی اتنی ہی ویلیو کرتا ہے اور وہ اتنا ہی ان کو انڈرسٹینڈ بھی کرتا ہے. With the capacity, understanding the concept across multiple disciplines, with the capacity to synthesize the knowledge and insights to guide decision and foster cooperation. اور اس کے جو تین لیولس ہیں وہ کیا کہتے ہیں, ریسرچ اینڈ اڈیپٹ کانسیپٹ فرام آؤٹ سائڈ ونس فیلڈ آف ایکسپرٹیز. یعنی کہ اس نے بڑی بیسک چیز ہے, اگر آپ پروفیشنل ہیں, اچھے پروفیشنل ہیں, ہائی لیول کے پروفیشنل بننا چاہتے ہیں, تو آپ کو بیسک چیز ریسرچ کرنی چاہیے کہ یار اکاؤنٹس والے کیا ڈائنامکس ہیں, اکاؤنٹنگ کے کیا ڈائنامکس ہیں, پروڈکشن کے کیا ڈائنامکس ہیں, بزنس کے سیلس کے کیا ڈائنامکس ہیں, لائر ایڈوکیٹس کے کیا ڈائنامکس ہیں, ڈاکٹرس کے کیا ڈائنامکس ہیں, ایچ آر کے, ٹریننگ کے, پبلک اسپیکنگ کے, اینی تھنگ اس کے کیا ڈائنامکس ہیں, جو آپ کا پروفیشن ہے اس سے ہٹ کے یہ ساری چیزیں دوسری چیزیں ان ڈسپلنس کے بارے میں. دین اس کا جو انٹرمیڈیٹ لیول ہے وہ کہتا ہے کہ کو ریلیٹ مٹیریل فرام ڈائیورس نالج بیسس ٹو گائڈ ڈیسیجنس اینڈ پالیسی میکنگ. ان کو کوریلیٹ کرنا ہے کہ وہ اکاؤنٹس کی طرف سے کوئی چیز آ رہی ہے, کوئی سیلس کی طرف سے چیز آ رہی ہے, کوئی مارکیٹنگ کی طرف سے چیز آ رہی ہے, ان سارے ڈسپلنس کو کوریلیٹ کر کے آپ اپنا ایک ڈیسیجن بنا سکیں. اینڈ دا لاسٹ ون ان دس ایڈوانس لیول ہے, سنتھسائز نالج اینڈ انسائٹس اکراس ڈسپلنری باؤنڈریز ٹو ایڈ اسٹریٹجک ڈیسیجنس اینڈ فاسٹر کوآپریشن ود ان آؤٹ سائڈ آف دی آرگنائزیشن. تو یہ ہائیسٹ لیول کی چیز یہ ہے کہ آپ نے اس کی نالج اور انسائٹس اکراس ڈفرنٹ, ان کو اسٹریٹجک لیول پہ الائن کرنے کا سوچنا ہے. یعنی اگر مرجرز ہو رہے ہیں, ایکوزیشنز ہو رہی ہیں, یا آپ کی کمپنی بک رہی ہے, یا نئی چیزیں خرید رہے ہیں, یا اور نئی چیزیں آ رہی ہیں آپ کی آرگنائزیشن کے اندر, تو ان کو آپ کس طرح سے مینیج کر سکتے ہیں آرگنائزیشن کی, ان کی کراس ڈسپلنری اس میں پرنسپلس کیا کیا ہو سکتے ہیں, لیگیلٹیز کیا کیا ہو سکتی ہیں, ڈسپلنس کیا کیا ہو سکتے ہیں, بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ چینج کس طرح سے اس کے اندر آپ لے کے آ سکتے ہیں, وہ کس طرح سے امالگم ان کا بیسک نتھی کس طرح سے ہوں گے وہ چیزیں, ٹھیک ہے. سو یہ ہماری ٹوٹل 17 کمپیٹنسیز تھیں جس کے اوپر ہم نے ذکر کیا. یہ اس کا آج آخری تیسرا اور آخری پروگرام تھا, اور ہم نے جو بیسک 16-17 کمپیٹنسیز جو ہیں ان کے اوپر ڈسکشن کی, اور ان کے بارے میں ہم نے بات کی کہ وہ کس طرح سے ایک سکسیزفل پروفیشنل کے اندر کس کس لیول کی یہ جو 17 کمپیٹنسیز ہیں یہ ہوتی ہیں اور ان کے اندر کیا ہوتا ہے. بہت شکریہ, خدا حافظ.